हरे कृष्णा। तो एक बार एक ऋषि रहते हैं, वो गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। कोई पर्व रहता है तो वो गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, और गंगा में जब स्नान करते हैं तो देखते हैं कुछ श्रद्धालु भक्त भी जा रहे हैं नहाने के लिए, कोई भक्त भी जा रहा है स्नान करने, कोई पापी व्यक्ति भी गंगा में स्नान कर रहा है। तो इन सारे पापों को गंगा अपने अंदर समाहित कर ले रही है, तो गंगा के पाप कैसे धुलते होंगे। उनके मन में बड़ी चिंता हुई, इतने सारे पापी लोगों का भक्त जो अभक्त भक्त सब मिलकर जो गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो उनका पाप कैसे धुलता होगा। तो उनके मन में विचार आया कि तपस्या के द्वारा इसे जाना जा सकता है, आखिर इसे कौन बताएगा। तो कई वर्षों के तपस्या के बाद उनसे देवता लोग प्रकट हुए उनके तपस्या से प्रसन्न होकर। तो देवता लोग से पूछे कि जो इतने सारे भक्त अभक्त श्रद्धालु सब जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए, इन लोगों का पाप गंगा अपने अंदर समाहित कर लेती है, इसका मतलब हुआ गंगा पापी हो गई। तो देवता लोग बोलते हैं चलिए हे ऋषिवर, चलिए हम आपको गंगा माता से ही मिलवा देते हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिए। तो गंगा माता का आह्वान होता है, तो गंगा माता प्रकट होती हैं, बोलती हैं कि नहीं, मैं अपने अंदर क्यों पाप लूँ, मैं वही पाप को समुद्र के अंदर डाल देती हूँ। फिर गंगा माता बोलती हैं कि कोई एक भी श्रद्धालु व्यक्ति, कोई एक भगवान का परम प्रिय भक्त, कृष्ण का परम प्रिय भक्त अगर आता है, मेरे अंदर स्नान करता है, स्नान करके जब वो निकलता है तो वो सारे पापों को हर लेता है, इतने सारे अभक्तों के पापों को वो हरण करके बाहर निकाल देता है, उसे वो पाप नहीं लगता, ना ही मुझे पाप लगता है। पर गंगा माता बोलती है कि मेरा जो जल है, जो पवित्र और अपवित्र सब आत्माएं आ करके नहाती हैं, वो मैं समुद्र में डाल देती हूँ। तो सारे ऋषिवर ऋषि और देवता लोग जा करके समुद्र से पूछते हैं कि भाई गंगा माता तो तुम्हारे अंदर सारे पापों को डाल देती हैं, अब तुम उसका क्या करते हो। तो समुद्र देव बोलते हैं कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं वही पाप को मैं अपने अंदर उसको क्यों लूँ, मैं तो पापी नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं कि जब कड़ी धूप रहती है, कड़क धूप के अंदर जब पानी जो गर्मी से जब उबलने लगता है सब कुछ, तो वो भाप बन करके आकाश में उड़ जाता है, वही जल, वो पाप का जो जल रहता है वो आकाश में उड़ जाता है, मेरे अंदर समाहित नहीं होता। वो जब पाप उड़ जाता है तो वही जब वर्षा का टाइम होता है, बारिश का टाइम होता है, तो वही जल चारों तरफ बिखर जाता है, और वो जल खेतों में अन्न जल जितना कुछ है नदी तालाब सब में वो पड़ जाता है। तो इस तरह से जो किसान जो हल जोतते समय, किसान खेती करते समय जिस मानसिक स्थिति से वो अन्न को उपजाऊ बनाता है, उसी प्रकार से वो अन्न में उसका पाप समाहित हो जाता है, पाप और पुण्य उस अन्न के साथ समाहित हो जाता है, क्योंकि वो पाप और पुण्य से मिला हुआ जल चारों तरफ सब धरती में सब तरफ पड़ जाता है। तो उससे होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अन्न और जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न हम जैसा खाएंगे वैसे ही हमारी चेतना भी बनेगी। तो अन्न जब भी खाइए, जब भी बनाइए, जिससे भी लीजिए बेईमानी करके मत लीजिए, और उस अन्न को भगवान का सुमिरन करते हुए, भगवान को भोग अर्पित करते हुए, भगवान को प्रणाम करके बनाइए, बनाते समय भगवान का ध्यान करते हुए, कीर्तन करते हुए प्रसाद बनाइए, उस प्रसाद को फिर भगवान को भोग अर्पित करिए, फिर खुद ग्रहण करिए। इससे क्या होगा कि हमारे उस अन्न में पाप नहीं लगेगा और हमें प्रसाद मिलेगा। तो एक ऐसे ही कथा एक आता है कि एक टीटी रहता है, जो ट्रेन का टीटी होता है जो टिकट काटता है, तो टीटी रहता है, कोई उसे चोरी का माल चावल गेहूं अनाज उसको देता था, ट्रेन में उससे माल सप्लाई होता था, और उस वो किसी एक सेठ जी को भेज देता था कम दामों में। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए कि इतने सस्ते दामों में हमको अनाज मिल गया। सेठ जी अपने घर में ले आए उस अनाज को, और उनको एक दिन एक संत महात्मा उनके घर पे आ गए। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, चलो आज इतना अच्छा चावल मिला है, गेहूं मिला है, इसी का आज हम खीर पूड़ी बना करके संत महात्मा को भोग लगाएंगे, खिलाएंगे उनको। तो संत महात्मा भी प्रसन्न होते हैं कि चलो आज हमको खीर पूड़ी का दान मिलेगा खाने के लिए। तो वो उनके घर में बोलते हैं कि आज रात आप हमारे यहाँ रुक जाइए, आराम करिए यहाँ पर, और खीर पूड़ी का भोग लगाइए। तो महात्मा बोलते हैं ठीक है। तो उनको खीर पूड़ी का भोग लगाया जाता है, वो खाते हैं, खा करके वो सो जाते हैं। तो जो सेठ जी रहते हैं उनके पास 2 लाख रुपए रहते हैं उस ज़माने में, 2 लाख रुपए को गड्डियों में बांध करके उसका बंडल बना करके नोटों का वो साइड में रख देते हैं। वो सोचते हैं ये तो संत महात्मा है, ये क्यों चोरी करने लगेंगे, इनके सामने पड़ा है तो ये थोड़ी चोरी करेंगे।
इसलिए उनको पास में ही उनके बगल में ही रख दिया जाता है। अब उसे चले जाते हैं अपने दूसरे कमरे में सोने के लिए। जब वो सोने चले जाते हैं तो इन महात्मा के मन में लालच हो जाता है कि इतना धन रखा है, अगर इतने बंडल में से, इनके इतने रुपयों में से मैं अगर थोड़ा सा भी निकाल लूँ तो मेरा जीवन तो सुखी हो जाएगा, मुझे जगह जगह भिक्षा मांगना नहीं पड़ेगा, इनका धन मैं ले करके आराम से अपना जीवन काटूंगा, मुझे भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उनके मन में बड़ा उत्साह हुआ, मन में इतना चिंता होने लगा क्या करें क्या करें। तो सुबह होने से पहले ही भोर मेला में ही उन्होंने उस गड्ढे नोट के बंडलों में से दो बंडल निकाल करके अपने लिए चलते रवाना हुए, अपने जगह पे चले गए, अपने घर पे चले गए। और जब सुबह हुआ तो देखे संत है ही नहीं, तो उनको बड़ा चिंता हुआ कि संत है नहीं और रुपए में से दो गड्डियाँ गायब हैं पैसे की। तब वो सोचे कि नहीं नहीं संत महात्मा ऐसा क्यों करेंगे, संत महात्मा को क्या ज़रूरत है पैसे की चोरी करने की। और बगल में ही उनका सेवक भी सोया हुआ था, संत के पास में ही एक सेवक भी सोया था नौकर। तो उनके मन में आया हो न हो यही चोरी किया है, और इसने चोरी किया है इसलिए उससे बहुत मार मार के पूछे कि क्या तुमने मेरा पैसा चुराया है, दो गड्डियाँ नहीं मिल रही है मेरे पैसों के, दो बंडल नहीं मिल रहे हैं। और उसको बहुत मारा गया। वो बोला सेठ जी मैंने आपका पैसा नहीं चुराया, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने इतने समय से आपके घर में सेवा की है, मैं क्यों भला आपका पैसा चोरी करूँगा। पर वो मानने को तैयार नहीं था, उसे बहुत मारा जा रहा था। बोला चलो पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करा के तुम्हें थाने में बंद करवा देते हैं। उधर जब वो संत पहुँचे अपने घर पे तो नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, मतलब शौच स्नान वगैरह किए। अब उनके पेट में जो उसका अन्न था वो निकल गया, तो उनका मन हल्का हुआ। अब जब मन हल्का हुआ उनका, क्योंकि वो पाप का अन्न था वो खा लिए थे, और जब पाप का अन्न शरीर से बाहर निकल गया तब उन्हें चेतना आई कि अरे मैंने तो कितना बड़ा पाप कर दिया, इतने समय की भक्ति मेरी क्षण भर में, मैंने पैसे की लालच में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने उसका पैसा चुरा लिया सेठ जी का। वो क्या सोचते होंगे, अब मुझे ये पैसा को नहीं रखना चाहिए, मेरे जीवन भर की भक्ति बर्बाद हो गई, और चोरी मैंने अपने अंतर मन में चोरी करने के एक बड़ा महापाप कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, वो पैसा को जा करके सेठ जी को दिया कि सेठ जी इस तरह से मेरे साथ हो गया ऐसा घटना, और आप ये अन्न लाए कहाँ से हैं। सेठ जी को पूरा घटना बताया, और बताने के बाद मैं उनसे कहा कि ये मेरे से गलती हो गई, और ये बताइए सच सच बताइएगा कि अन्न जो आप हमें खिलाए थे रात में, खीर पूरी का भोग लगाए थे, तो कहाँ से लाए थे। तो सेठ जी ने बताया टीटी ने किसी का चोरी का माल लिया था, उससे मैंने उससे बहुत कम कीमत में उससे खरीद लिया, उससे आपको बना करके खिला दिया। तो सेठ जी वो संत महात्मा बोले वो इसीलिए मेरा बुद्धि इतना भ्रष्ट हो गया था, मेरी मत मारी गई थी, मैंने आपका अन्न खा लिया, वही अन्न मुझे चोरी करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वो भी चोरी का माल था, और मैंने वो चोरी का माल आपने मुझे खिलाया, वो जो अन्न था वो मेरे दिमाग को दूषित कर दिया, मेरे मन को दूषित कर दिया, जिसके कारण मेरे मन में भी वही चेतना जागृत हुई और मैं चोरी करने बैठ गया। ले लीजिए आपका पैसा, इस सेवक को छोड़ दीजिए, ये सेवक ईमानदार है, बेईमान नहीं है, मेरे से अपराध बन गया, मैं इतना बड़ा भक्त हो करके भी ऐसा आपका अन्न खा करके मेरे अंदर नीच बुद्धि पैदा हो गई और मैंने चोरी कर लिया। तो भक्तों यही है, हम जैसा अन्न खाएंगे हमारी प्रवृत्ति भी वैसी ही बन जाएगी, हमारी चेतना भी उसी तरह का बन जाएगा। हम ये देखते हैं कि जैसा, जो कहावत है बिल्कुल सत्य है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसी पानी वैसी वाणी। तो इसीलिए पानी को भी लोग कहते हैं ना छान छान के पियो, फूक के पियो, जो सब लोग बोलते हैं दूध को फूक के पियो, पानी को छान के पियो। तो ये कहानी बिल्कुल सत्य है, ये घटना जो कहावत बताई गई है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये सच में देखा जा रहा है कि जैसा आप अन्न खाइए। आप एक बार अपने आप को भी टटोल कर देख सकते हैं, एक चीज़ आप भगवान को भोग लगा करके खाइए, और दूसरा वही खाना आप बिना भगवान भोग लगाए खाइए, आप देखिएगा दोनों में एकदम टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क रहेगा, ये टेस्ट और वो टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क रहेगा, उसे पता चलेगा कि कितना आनंद है, कितना रस है इस प्रसाद में। और वही जो खाना है ये प्रसाद बन गया आपका, अब वो खाना रह गया उसको खाइएगा तो आपको कोई टेस्ट नहीं लगेगा, और हमारी चेतना भी नहीं शुद्ध होगी। और जब हम भगवान को अर्पित करके कुछ खाएंगे, भक्तों को खिलाएंगे, खुद खाएंगे, तो हमारी चेतना हमेशा शुद्ध रहेगी और भगवान के भक्ति में हमारा मन लगेगा।
हरे कृष्णा।